जैसा कि आपको पता है, आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस है और आज के ही दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ था। तो इस पावन अवसर पर नेहरा काप ट्रस्ट के ने एक फैसला लिया कि फलदार पौधों का पौधरोपण किया जाए ताकि हमारी भविष्य की जो पीढ़ियां हैं वो मीठे मीठे फल खा सकें। इसके लिए नेहरा काप ट्रस्ट के अध्यक्ष माननीय पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार जगदीश जी नेहरा ने निर्देश दिए कि हर व्यक्ति नेहरा काप से जो जुड़ा है एक एक फलदार पेड़ अवश्य लगाएगा अपने घर पे, अपने खेत में, जहाँ भी उसको जगह मिले। तो इसका उद्देश्य ये है कि पहली बात तो ये है कि एक तो पर्यावरण साफ सुथरा रहे, साफ रहे, ऑक्सीजन मिले और आने वाली पीढ़ियों को फल मिले। तो आज के दिन हमने जो पेड़ लगाए हैं उनमें अंजीर है, बबू गोसा है, आड़ू है, आलू बुखारा है और बेल पत्र है और इसके साथ साथ खुबानी के भी हमने पेड़ लगाए हैं। तो ये जो पहल है नेहरा काप ट्रस्ट की, तो ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ने मिलके काम किया है। इसमें कर्नल धर्मवीर नेहरा आए हैं स्पेशल और इसके लिए बलवीर जी नेहरा राजस्थान से आए हैं। तो इसका एक उद्देश्य ये है कि जागरूकता बढ़े पर्यावरण संरक्षण की तरफ। नेहरा काप ट्रस्ट का शुरू दिन से ही ये उद्देश्य रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोक भलाई के जो जन कल्याण की योजनाएं हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। तो आगे भी हमारा ये प्रोग्राम चलता रहेगा, पौधरोपण का, पर्यावरण संरक्षण का और जो समाज में फैली हुई कुरीतियां हैं उनको दूर करने का।